नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तत्काल पासपोर्ट कितने दिन में आ जाता है। ए टू जेड पूरा प्रोसीजर आपको बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अगर आज आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो आज से कितने दिन बाद पासपोर्ट आ जाएगा। ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखो, जब आप पासपोर्ट अप्लाई करने जाते हो तो उसके बाद जो अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है, जैसे आपने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया और जो अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है उससे कितने दिन बाद आएगा, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जो पासपोर्ट तत्काल में अप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत पहले वीडियो बनाया है, तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो आज जो बात होने वाली है तत्काल पासपोर्ट वालों के लिए बात होने वाली है, जो लोग तत्काल पासपोर्ट अपना बनाना चाहते हैं या फिर जो तत्काल पासपोर्ट बनाए हैं। तो देखो, सबसे पहले जब जो भी आपने अपॉइंटमेंट डेट ली है और अपॉइंटमेंट डेट के दिन आप पहुंच जाते हो पासपोर्ट ऑफिस, तो अपॉइंटमेंट डेट से लेके आपको 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके घर पर पासपोर्ट आ जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे, भाई मेरा तो 20 दिन लग गया, 25 दिन लग गया, तत्काल पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया था, इतना कैसे टाइम लग गया जो कि मैंने तत्काल में अप्लाई किया था। भाई सबर करो, मैं उसका भी जवाब देने वाला हूँ कि जो लोग तत्काल में अप्लाई करते हैं क्यों लेट हो जाता है उनका, क्यों बहुत ही ज़्यादा लेट में पासपोर्ट आता है और क्यों कुछ लोगों का 5-10 दिन के अंदर अंदर ही पासपोर्ट आ जाता है। ए टू जेड आपको जानकारी मिलने वाली है। देखो, जब हम पासपोर्ट अप्लाई कर लेते हैं तो जो अपॉइंटमेंट डेट मिलती है उस डेट को हम पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं, वहां पर हम अपना वेरिफिकेशन सारी चीज़ें सही तरीके से करा देते हैं। उसके बाद हमारी फाइल चली जाती है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, और जैसे हमारा पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है तो फाइल RPO पहुंच जाती है, और RPO के बाद वहां से एक बार रीवेरीफाई करते हैं। रीवेरीफाई होने के बाद हमारा पासपोर्ट पैच कर दिया जाता है और हमारे घर पर आ जाता है। अब अगर नॉर्मल और तत्काल दोनों की बात करें तो भाई जो तत्काल वाला पासपोर्ट होता है इसका प्रोसीजर थोड़ा सा फास्ट होता है, और नॉर्मल वाला जो पासपोर्ट होता है उसका नॉर्मल तरीके से प्रोसीजर किया जाता है। लेकिन अगर आप तत्काल में किए हो तो बहुत ही फास्ट उसका प्रोसीजर होता है। और अगर आपने ये तीनों स्टेप अगर आपका सही रहता है, मतलब आपको 2 स्टेप करना है, पहला वाला पासपोर्ट वेरिफिकेशन, सेकेंड वाला पुलिस वेरिफिकेशन, अगर आपने दोनों स्टेप सही तरीके से कंप्लीट कर लिया है और तीसरा वेरिफिकेशन जो है जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में होता है वो भी सही तरीके से हो गया, तो आपका पासपोर्ट 5 से 10 दिन में आ जाएगा। तो देखो, जो लोग तत्काल में अप्लाई करते हैं ना, तो उन लोगों का पासपोर्ट 5 से 10 दिन में आ जाता है जिनका ये तीनों सिनारियों वाला, जो तीनों केसेस में पासपोर्ट में कोई मतलब उनके फाइल में इशू नहीं रहता है, उनका पासपोर्ट जो है 5 से 10 दिन में आ जाता है। अब उनके बारे में हम बात करते हैं जो लोग तत्काल में ही अप्लाई किए लेकिन महीना हो गया, 2 महीना 3 महीना हो गया, फिर भी पासपोर्ट उन्हें अब तक नहीं मिला, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो भाई जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं वो लोग, तो पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद वहां पर या तो उनका डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग रह जाता है, या तो सिग्नेचर करना भूल जाते हैं, या फिर कोई जेरोक्स जो दिए रहते हैं वो उनके किसी डॉक्यूमेंट से मैच नहीं होती है, नाम स्पेलिंग का मिस्टेक होता है। तो ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वहां पर उनको फिर बोल दिया जाता है कि आप जाओ ये चीज चेंज करा के आओ। अगर वहां से भी प्रोसीजर अगर मान लो उनका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो पुलिस वेरिफिकेशन वाली जो बात आती है वहां पर भी कभी कभी लोग सही तरीके से नहीं करा पाते और वो पुलिस वाले वहां पर कैंसिल करके भेज देते हैं RPO में, फिर RPO में रुका रह जाता है, फिर कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारा तो हुआ नहीं। अब सेकेंड एक और चीज यहां पर आती है कि कुछ लोगों का तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गया लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अभी तक उनको कॉल नहीं किया। तो आप मेरी बात सुनो, आप खुद जाके बात कर लो अगर अभी तक पुलिस वालों का कॉल नहीं आया, क्योंकि यहां पर जरूरत आपको है। तो आप जब वहां विजिट करोगे, बात करोगे, तब आपको पता चलेगा। अगर आपको वो लोग बोल रहे हैं कि आपकी फाइल हमारे पास नहीं आई है, तो सिंपली आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर विजिट करना चाहिए, और वहां जाने के बाद फिर से आपकी फाइल को पुलिस वालों के पास भेजा जाएगा, फिर आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हो। और पुलिस वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ तो फिर वहां पर भी दिक्कत है। और अगर किसी कारणवश जो लोग तत्काल में अप्लाई करे हो या नॉर्मल में, अगर उनका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में 5-7 दिन से ज्यादा रुका है, तो वो लोग तुरंत भाई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस विजिट करें, तो आपकी फाइल वहां पर रुकी रहेगी जब तक आप वहां पर जाते नहीं हो। तो सबसे पहले आप वहां रीजनल पासपोर्ट ऑफिस विजिट कर लो और चेक कर लो कि किस वजह से आपकी फाइल रुकी है। जब आप तीनों ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हो तब जाकर आपका सक्सेसफुली होता है। तो अगर जिन लोगों का कोई इशू नहीं होता है, जो लोग सब तीनों जो स्टेप है पहली बार में ही सही कर देते हैं, उनका 5 से 10 दिन में आ जाता है। जिन लोगों में कुछ ना कुछ इशू आ जाता है उनका थोड़ा सा टाइम लगता है, उनका 15 दिन 20 दिन महीना 1.5 महीना भी लग जाता है पासपोर्ट आने के लिए। तो इतना याद रखो, जो भी आप प्रोसीजर कराओ सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट सारा चेक कर लो कि सब में आपका नाम सही है कि नहीं। अगर नाम सही हो तो आप अप्लाई करो, अदरवाइज आप सबसे पहले अपडेट करा लो उसके बाद अप्लाई करो। तो आज की इस वीडियो मैंने आपको बता दिया तत्काल पासपोर्ट अगर आप बनाते हो तो कितने दिन में आ जाता है और क्यों डिले होता है, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, कमेंट करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय।